हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए फिर से मैं एक स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक की बात करूंगा। जब भी बात आती है स्पेशलिटी केमिकल, तो यहाँ पे मुझे क्या, मैं कहूंगा हर बड़े निवेशक को यहाँ पे एक मल्टी बैगर स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। और क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि न केवल करंट स्टेट में, पास्ट में भी इतना जबरदस्त रिटर्न, फ्यूचर भी इतना ब्राइट, तो इसीलिए लोग इस सेक्टर के ऊपर फोकस रखते हैं। यहाँ पे रिटर्न बहुत कम जानते हैं इस सेक्टर के बारे में, और बहुत कम रहते हैं इस एरिया को के बारे में इन्वेस्ट करने में, लेकिन यहाँ पे ये एरिया अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, बहुत दमदार एरिया है। करोड़पति बनाने वाले स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं, समझ जाइए। अगर आप स्पेशलिटी केमिकल से अभी भी अवगत नहीं हैं, तो घुसिए इस लाइन में, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कितना पैसा बनता है। चलिए मैं स्टॉक्स आपको, ये स्टॉक को दिखाऊंगा डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से क्यों इस स्टॉक को मैं आपके लिए अभी लेके आया हूं उसके बारे में भी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अभी कंपनी का नाम है SRF, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कंपनी का नाम है SRF। जब इसके बिजनेसेस को देखोगे तो टेक्सटाइल, फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल, पैकेजिंग फिल्म्स, बहुत ब्राइट बिजनेस, बहुत ही, आप कहोगे यार ये तो अलग अलग वर्टिकल्स में है, लेकिन जब आई इस कंपनी का रिटर्न आप देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा देख के, आपको अरे वाह क्या मजा आ गया देख के। यही नहीं, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करेंगे फिर आगे चलेंगे। फंडामेंटल्स देखिए, 24,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप प्राइस देखोगे, आप कहोगे यार प्राइस तो बहुत ज्यादा इसका है। देखिए प्राइस पे मत जाइए, स्टॉक की वैल्यू देखिए। प्राइस तो आप देखोगे कि कोई शेयर 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, लेकिन उसके वैल्यू के ऊपर जाना है। ऐसा नहीं कि यहां से ये भाग नहीं सकता। अभी अगर आप देखते हो यहाँ फेस वैल्यू 10 रुपए है, अगर ये स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो ये आपको मिलने लग जाएगा, 1/10 हो जाता है, तो सोचिए क्या प्राइस इसका हो जाएगा, सोचिए 400 रुपए हो जाएगा। अब देखिए पी रेशियो 24, हर 24 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त, पीजी रेशियो जबरदस्त। अब देखिए डेट कंपनी के ऊपर कम है, तो मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई कमी नहीं है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अल्टीमेट, यही नहीं तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, रेवेन्यू को देखिए, रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है, 2,000 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ, मैं कहूंगा 7,000 करोड़ के आसपास है, क्या ग्रोथ है। यही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे आइए, 140 करोड़ का प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता हुआ, आज की डेट में 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जा चुका है, जो अल्टीमेट नंबर्स हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, आप रिटर्न देख के आप फैन हो जाओगे। पिछले 10 साल का एवरेज सीएजीआर जो है 28% तो दिया ही दिया, देखिए पिछले 5 साल में 28%, पिछले 3 साल में 35% और पिछले 1 साल में 58%। लेकिन अभी जब टेक्निकल पे चलेंगे एक और डिटेल में यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ये तो आपने ओवरऑल पिक्चर्स देखिए इसके, अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ लेके चलते हैं आपको। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखते हो तो 52.3% है। उसके बाद अगर DII की होल्डिंग देखते हो, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखते हो, तो 11.1% के आसपास है, कंसिस्टेंट है, ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हुई है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंस है। यानी कि अभी जब डिप आया था, मार्च क्वार्टर में गिरावट हुई थी, तो भी इनकी कमी नहीं हुई थी, ज्यादा बड़ी भी नहीं है तो ज्यादा कम भी नहीं हुआ है। फॉरन पोर्टफोलियो की निवेशकों की होल्डिंग 17-18% के आसपास ही देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं रिटेल निवेशक, तो रिटेल निवेशक बहुत कम होंगे इसमें, बहुत कम होते हैं ऐसे शेयर्स में रिटेल निवेशक। देखिए 65,000 है जनरली, आप देखोगे तो बड़े शेयर्स में देखोगे, लार्ज कैप स्टॉक्स में देखोगे, वहां पे रिटेल निवेशक लाखों की तादाद में होते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, लेकिन ऐसे स्टॉक में रिटेल निवेशक कम होते हैं। लेकिन उन कम की अगर आप वैल्यू देखोगे, उनकी होल्डिंग देखोगे, तो बहुत ज्यादा होती है। आप देख सकते हो अकेले 65,000 रिटेल निवेशक कुल है, लेकिन उनकी वैल्यू यहाँ पे 11% के आसपास के इनके पास होल्डिंग है। तो आप कहोगे हाँ यार यहाँ पे मतलब जो सेफ, जो मल्टी बैगर रिटर्न वाले लोग हैं वो यहाँ पे पैसा लगाते हैं। और अब मैं आपको इसके टेक्निकल पे लेके चलूंगा, तो आप समझोगे कि कितना रिटर्न इसने पास्ट में दिया है, फैन हो जाओगे आप देख के, आपको यकीन नहीं होगा क्या कोई स्टॉक इतना रिटर्न भी दे सकता है। देखिए 2014 में ये स्टॉक 200 रुपए के आसपास था, उससे पहले आप देखिए 2013-14 में स्टॉक 100-200 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद देखिए क्या कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मंथली चार्ट में हमेशा 20 EMA की लाइन के आसपास ये बढ़िया सपोर्ट लेता है, जैसे अभी मार्च के टाइम फ्रेम पे भी इसने लिया था, 2700-2800 के लेवल पे आया था। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट अब क्यों स्टॉक को हम रडार में लेके आए, और जब भी मैं आपको कहता हूं कि करेक्शन किसी भी स्टॉक में आए उसका रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट
आपके लिए होता है। जैसे ये करेक्शन आई थी, इसका रिजोल्यूशन देखिए, ये करेक्शन आई थी, ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 2017 से लेके चली थी 2018, एक साल के आसपास तक करेक्शन चली थी, इसका रिजोल्यूशन, फिर से करेक्शन, फिर से रिजोल्यूशन, छोटी करेक्शन, छोटा रिजोल्यूशन, और इस बड़ी करेक्शन को देखिए 4200 की रेंज से ये करेक्शन आई थी। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट लर्निंग आप कभी मत भूले, ऐसा स्ट्रक्चर कहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और वो भी इतनी बढ़िया, मैं कहूंगा ये ऑल्दो हमने यहाँ पे 3750 के आसपास मेंबर्स ने जरूर ये पकड़ा था इस लेवल पे, लेकिन मतलब बहुत अल्टीमेट मैं कहूंगा ये देखिए, ये बड़ी कैंडल छोटी कैंडल का कॉन्सेप्ट जो है, ये पानी पीने वाला कॉन्सेप्ट, ये कभी मत भूलिए कि यहाँ पे मिनिमम रिस्क के साथ आपका बढ़िया गेन होता है। देखिए क्या रिस्क है, क्या गेन है, और एंट्री करोगे आप, देखिए अलग अलग एंट्री के लेवल्स होते हैं, डिपेंड होता है, लास्ट एंट्री होती है इसके हाई को क्रॉस करने के बाद, और जो और डिटेल में लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस के करते हैं वो जल्दी समझ जाएंगे, वो 3500 के आसपास भी एंटर कर सकते हैं, उनको पता है कि हाँ भाई स्टॉप लॉस मिल गया, अब एंट्री का मौका। लेकिन अब ये स्टॉक को क्यों लेके आया हूं, अब करंट सिचुएशन देखिए, पिछला ब्रेकआउट का एरिया 4200-4300 का रेंज, ये एरिया दो बार रिजेक्ट हुआ है, हमारा हमेशा से मानना है और अभी भी मानना है कि किसी भी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट को पार करना है तो उसके नियर कंसोलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके नियर छोटी करेक्शन इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है ब्रेकआउट के बाद स्मॉल पुलबैक एंड देन जंप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है, और ये स्टॉक हमें वही चीज यहां पे दिखा रहा है, और ये स्टॉक अभी हमारे जो लर्निंग मेंबर्स हैं उनके साथ जो उनकी यहां पे आते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी के बाद नाम आया था, तो आपको एक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं ताकि बाकी लोग भी इसको समझे। मंथली बुलिश जोन में, कंप्लीट बुलिश जोन में कोई वीकनेस है ही नहीं। अब वीकली चार्ट को देखते हैं, वीकली चार्ट में जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको पुराने डेटा पे लेके चलूंगा, जो हम कह रहे थे आपको कि जो ये कंसोलिडेशन देखिए, हमेशा मैंने आपको कहा कि करेक्शन के बाद ये देखिए जो रैली आएगी फिर से आपको मौका मिलेगा छोटी करेक्शन, ये वो टाइम फ्रेम था जिसने आपको स्टॉप लॉस दिया था, ये स्टॉप लॉस आपका, इस करेक्शन का रिजोल्यूशन, ये आपका एंट्री पॉइंट, देखिए मैंने आपको कहा था ना जब आप इसमें देखोगे तो आपको जल्दी एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद देखिए छोटी छोटी करेक्शन आती रही, शेयर भागता रहा, लेकिन फिलहाल ये कंसोलिडेशन चल रहा है, और आज से नहीं, ये अगस्त से ही, अगस्त स्टार्टिंग से ये कंसोलिडेशन चल रहा है 4000 से 4400, ये टाइट कंसोलिडेशन 10% की रेंज में ये कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन इज नियर टू दैट ब्रेकआउट एरिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेकआउट के बाद कोई इसको पुल बैक भी कहेगा, कोई कंसोलिडेशन कहेगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ये कंसोलिडेशन लगा, क्योंकि दिस कंसोलिडेशन ऑन वीकली इज नियर टू द 20 लेवल, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है, ये पास है, और मुझे लगता है कि अगर ये एरिया यहां पे पार होता है 4400 का, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस रेडी है, ये जो बॉटम पॉइंट है ना 4000 से थोड़ा सा नीचे का, यानी कि इस लाइन से थोड़ा नीचे, ये आपके पास स्टॉप लॉस रेडी है, यानी कि रिस्क आपके पास आ चुका है, आपको पता है कि हाँ कहां तक मुझे रिस्क लेना है, लेकिन अब जो बचा हुआ माल है वो है बंपर गेन का, देखिए बिल्कुल RSI 60 से ऊपर है, यानी कि कंप्लीटली बुल जोन में है, स्टॉप लॉस आपके पास तैयार है, जो कुछ बचा हुआ काम है वो अब करना है रैली का, ब्रेकआउट का। तो देखिए ये ब्रेकआउट न केवल अभी का ब्रेकआउट है, बल्कि ये ब्रेकआउट 17 फरवरी के लेवल को तोड़ के इसको पा जाना है। अब कई लोग कहेंगे यार ये तो ऑल टाइम हाई के नियर है, अभी क्या सिचुएशन, देखिए मंथली वीकली दोनों बुल जोन में है, कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट लेवल चल रहा है, और एंट्री का पॉइंट अभी थोड़ा सा इंतजार, मतलब ऑल्दो मैं कहूं कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव में आ चुके हैं, अगर डेली टाइम फ्रेम को सिचुएशन को देखूं तो एक बढ़िया लायंस अटैक की फॉर्मेशन इसने देखने को मुझे दी है, और साथ के साथ मैं ये देखूंगा, देखिए हाई लो, हायर लो बनाया है, और ये हाई जो पार होगा 4300 की रेंज का, तो ये आपको और एक पॉजिटिविटी जरूर देगा। देखिए पिछले कुछ टाइम में जब अगस्त एंड पे एकदम मैं कहूंगा ये सितंबर के टाइम पे एकदम ही मार्केट में यहाँ पे डाउन आया, जो देखिए उससे पहले भी सिचुएशन कुछ इस तरीके से पॉजिटिविटी जरूर दी थी, और इन लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, तो सबसे सेफ लेवल जब आप देख रहे हो, जब आप कह रहे हो नहीं ये एरियाज पार होंगे तभी मैं एंट्री करूंगा, तो फिर आप 4400-4500 के बाद ही जा सकते हो, लेकिन मौका यहीं पे जब ये लोअर जो हायर हाई की फॉर्मेशन आपको होगी तो आपके पास मौका यहीं से हो जाएगा। इंप्रोवाइज स्टॉप लॉस 4100 से थोड़ा सा बॉटम पे, डीप स्टॉप लॉसेस आपके पास ये रेंज है 4000 के आसपास की। तो SRF के शेयर को आपने देखा, ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहां पे ये जो पूरी की पूरी करेक्शन आई है वो आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन यहां पे बनी है, 5 मिनट 15 मिनट और आवरली साथ के साथ आप देखोगे तो डेली वीकली सब कुछ बुलिश फेज में जा चुका है, बस एक एरिया है, एक चिंगारी की जरूरत है, और इस चिंगारी के बाद ये कभी भी बड़ा धमाका यहां पे कर सकता है। जरा सोचिए
एक तो स्पेशलिटी केमिकल का शेयर है, ऊपर से बिल्कुल ऐसा देखिए काफी दूर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल मूविंग एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहा है। तीसरा वो और एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के नियर ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं कहूंगा यहाँ पे, और चौथा बहुत ही कम रिस्क के साथ आपको रिवॉर्ड की बहुत ज्यादा अच्छे खासे चांसेस यहाँ पे दे रहा है। तो ये सारी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लर्निंग वाले पॉइंट्स है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और इसके फॉलोअप हम बताते रहेंगे आगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो इस तरीके से जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये स्टॉक ये किसके द्वारा शेयर किया गया, ये हमारे वन ऑफ द लर्निंग मेंबर के द्वारा शेयर किया। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई लर्निंग मेंबर इस तरीके से चीजें निकाल के लेके आता है, उसके ऊपर हम फिर वीडियो क्रिएट करके थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे बताते हैं। और आप भी अगर इस तरीके से सीखना चाहते हो तो आप भी ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।